2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से ही बिहार में पिच तैयार करनी शुरू कर दी है और पार्टी हर मोर्चे पर दबे पांव जेडीयू और आरजेडी की जमीन को खिसकाने का प्लान तैयार कर लिया है। और साथ ही वहीं जेडीयू में इस समय चल रहे अंतर कलह की वजह से घमासान मचा हुआ है और पार्टी दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के रूप में पार्टी का एक बड़ा चेहरा बगावती तेवर अपना चुका है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनावी जमीन को तैयार करने में मदद मिल सकती है और साथ ही बीजेपी इस बार 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर नजर टिकाए हुए है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय बीजेपी जेडीयू और एलजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी और वहीं उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी इस खेल में अकेले ही लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसे में उसकी सीटें बढ़ना तय माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस फॉर्मूले पर बीजेपी को जीत मिलेगी, बीजेपी कौन सा फॉर्मूलों पर लगाएगी सियासी दाव, आइए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। बीजेपी इन दिनों बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर आंख गड़ाए हुए है। ये वो वर्ग है जिसे नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीजेपी इस वोट बैंक को साधने के लिए कई कोशिशें कर रही है। और वहीं कुर्मी जाति से आने वाले आरसीपी सिंह जेडीयू के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। खबरें ये भी है कि कभी जेडीयू के रणनीति का अहम हिस्सा रहे आरसीपी सिंह 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और ऐसे में उनके बीजेपी में आने से कुर्मी वोट बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है। तो वहीं बीजेपी के लिए इस बार कुशवाहा फैक्टर भी कारगर साबित हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और साथ ही कुशवाहा पिछले कई दिनों से जेडीयू से अपना हिस्सा मांग रहे हैं और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी बुलाया है। इधर जेडीयू भी उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रही है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि वो जल्द ही जेडीयू छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब उनके बीजेपी में शामिल होने से कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी के खाते में जुड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि बीजेपी कौन से फॉर्मूले इस बार अपनाने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।